Hello everyone, so you are here in Biology Bubble. Now we are going to discuss the remaining session of the living world. जैसे कि हमने इसका first part यानी first half complete कर लिया था पहली video में, अब हम इसका second half देखेंगे. So we are going to discuss about taxonomic categories. Classification is not a single step process but involve hierarchy of steps in which each step represent a rank or category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Each category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxon. So इसमें हमें बताया गया है taxonomic hierarchy के बारे में, taxonomic categories के बारे में और taxon के बारे में. Classification कोई एक single step process नहीं है. अब hierarchy से क्या मतलब होता है? Division at different levels. किसी भी चीज़ का division बहुत अलग अलग लेवल पे, उसे हायरार्की बोलते हैं. हायरार्की में इसमें भी लिखा है जैसे कि ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी. हर स्टेप कोई ना कोई रैंक और कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है. डिवीज़न होता है हर लेवल पे, उसी को ही हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल देते हैं. और इन्हीं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से मिलके टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनती है. और किसी भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की की एक रैंक को हम बोल देते हैं टैक्सॉन. सिंगुलर है टैक्सॉन बोलेंगे और प्लूरल है तो टैक्सा. टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. टैक्सोनॉमिक को स्टडी कैसे किया जाता है अलग अलग कैटेगरी पे, उसे समझने के लिए हम थोड़े नोट्स देखेंगे. पहले ये पढ़ लेते हैं. स्पीशीज आर द लोवेस्ट कैटेगरी. स्पीशीज जो है वे लोवेस्ट कैटेगरी हैं. सो लेट्स गो एंड सी सम नोट्स. Sorry for the delay. So here are the notes. First, सबसे lowest category जो होती है वो species की होती है. उसके बाद genus आता है, उसके बाद family, फिर order, class, animal के लिए phylum आएगा और plant के लिए division आएगा. और सबसे highest category जो होती है, सबसे highest rank जो होती है उसे kingdom बोलते हैं. सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज स्पीशीज़ में होती है. अब जैसे जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हम ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, नंबर ऑफ़ सिमिलैरिटीज़ डिक्रीज होते जाएंगी और डिफरेंसेस इंक्रीज होते जाएंगे. अब क्वेश्चन है हाउ टू रिमेंबर द ऑर्डर. हम इस ऑर्डर को याद कैसे करें, तो उसके लिए एक कोड है. कोड ये है कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक. इस ऑर्डर से हम याद कर सकते हैं. कीप से याद कर सकते हैं किंगडम, प्लेट से याद कर सकते हैं फाइलम और डिवीज़न, क्लीन से याद कर सकते हैं क्लास, और से याद कर सकते हैं ऑर्डर, फैमिली मींस फैमिली, और गेट से याद कर सकते हैं जीनस, सिक से याद करते हैं स्पीशीज़. तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं. दैट इज़ वेरी सिंपल. सो नाउ we have to go back to the NCERT. So there is first the lowest category species. Let's discuss about this. Taxonomic studies consider a group of individual organism with fundamental similarities as species. Taxonomic studies में क्या किया, जिन भी organism में fundamental similarities, एक जैसे उन्हें fundamental features उनके दिखे, उन्हें एक species सेम स्पीशीज़ में रख दिया. इसलिए कहते हैं कि स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी है.
जैसे एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमें याद करने हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर हम एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे किसी भी क्वेश्चन के आंसर में तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो। अब जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था साइंटिफिक नेम के बारे में, तो पहला वर्ड बताएगा इसका जीनस एंड सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट। तो स्पीशीज इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, दीज आर द स्पीशीज। इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स। फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा, मीन्स जीनस, एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी। ये जो है जीनस जो है वो इससे ऊपर वाले हायर लेवल के टैक्सॉन हैं, टैक्सॉन भी कह सकते हैं, कैटेगरी भी बोल सकते हैं। अब इन्होंने एग्जांपल दिया इसमें पैंथेरा टिग्रस का, पैंथेरा टिग्रस मीन्स टाइगर। और सोलेनम में इन्होंने बताया है सोलेनम निग्रम एंड सोलेनम मेलोंगेना। सोलेनम निग्रम मको को बोलते हैं, मकोई, एंड सोलेनम मेलोंगेना ब्रिंजल को बोलते हैं, बैंगन। ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस विच इज़ ग्रुप्ड इन जीनस होमो। ह्यूमन बीइंग्स सेपियंस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं और इनका जो जीनस होता है वो होमो होता है। तो अगर हम इसका साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो होमो सेपियंस हो जाएगा। अब पढ़ते हैं जीनस के बारे में। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर करेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। जीनस में इन्होंने उन स्पीशीज को रखा जो आपस में जिनमें सिमिलैरिटीज हैं, उन स्पीशीज को इन्होंने जीनस में रख दिया। इसका एक इजी से डेफिनेशन ये है, जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जेनेरा जो है, जीनस जो है, बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से मिलकर बना है। फॉर एग्जांपल पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर थ्री डिफरेंट स्पीशीज बट आर ऑल बिलोंग टू द सेम जीनस सोलेनम। जीनस सोलेनम में ये तीन स्पीशीज आ जाती हैं, पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल, विच इज़ सोलेनम ट्यूबरोसम एंड सोलेनम मिलोंगेना, हमने ऊपर पढ़ा था ब्रिंजल का नाम। अब इसमें एग्जांपल दिया इन्होंने लॉयन का, पैंथेरा लियो, लियोपार्ड, पैंथेरा पार्डस, टाइगर, पैंथेरा टिग्रस, ये हमें याद करने हैं। फेलिस विच इंक्लूड्स कैट, फेलिस जीनस जो है वो कैट को इंक्लूड करता है। अब आती है बारी फैमिली की। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। फैमिली में रिलेटेड जेनेरा रखे गए हैं, जिन जीनस में ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ थी उन्हें एक फैमिली में रख दिया गया। नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एज कम्पेयर टू लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एज कम्पेयर टू द जीनस एंड स्पीशीज़। फैमिली में लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ होती हैं जीनस और स्पीशीज़ की तुलना में। जैसे हमने अपने नोट्स में पढ़ा था, स्पीशीज़ से ऊपर जाएंगे तो डिससिमिलैरिटीज़ इंक्रीज होंगी। करैक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज। फैमिली जो है उसे करैक्टराइज किया जाता है दोनों के बेसिस पे, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर के बेसिस पे इन प्लांट्स में। प्लांट्स में वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों के बेसिस पे प्लांट्स को फैमिली में कैटेगराइज किया जाता है। Among plants, for example, three different genera, Solanum, Petunia, and Datura, are placed in the family Solanaceae. ये तीन different genera हैं, Solanum, Petunia, and Datura, ये एक ही family में रखे गए हैं, Solanaceae family में। Among animals, for example, genus Panthera comprises lion, tiger, leopard. जो जीनस पैंथेरा है जिसमें लॉयन, टाइगर एंड लियोपार्ड आते हैं वो फेलिस के साथ फेलिडेई फैमिली में रखा गया है। फेलिडेई मीन्स कैट फैमिली। इसमें पैंथेरा और फेलिस दोनों रखे गए हैं। कैनिडेई जो होती है वो डॉग फैमिली होती है। फेलिडेई इज कैट फैमिली एंड कैनिडेई इज डॉग फैमिली। अब बात करते हैं ऑर्डर के बारे में।
तो ऑर्डर बेसिकली आर द असेंबलीज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर करेक्टर्स. ऑर्डर में उन फैमिलीज़ को रखा जाता है जो आपस में रिलेटेबल हों, सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट हों, उन फैमिलीज़ को हम ऑर्डर में रख देते हैं, सेम ऑर्डर में रख देते हैं. अब इसके एग्जांपल दिए उन्होंने, प्लांट फैमिलीज़ लाइक कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स. जो प्लांट फैमिली हैं कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी, इन्हें पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में रखा गया है बेस्ड ऑन फ्लोरल करेक्टर. इनके फ्लोरल करेक्टर के बेसिस पे, इनके फूलों के करेक्टर के बेसिस पे इन्हें पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में रख दिया गया है एक साथ. कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडेई एंड कैनिडेई. कार्निवोरा जो ऑर्डर है उसमें फेलिडेई एंड कैनिडेई फैमिली इंक्लूड होती हैं. अब पढ़ते हैं क्लास के बारे में. इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, अगर हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एग्जांपल्स हैं और डेफिनेशंस है. जैसे जीनस की सिंगल लाइन डेफिनेशन है वो भी काफ़ी बार पूछ ली जाती है. और अगर अपने इलेवेंथ के एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो डेफिनेशन के साथ साथ अगर एग्जांपल भी याद करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा. क्लास के बारे में बात कर लेते हैं. दीज कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स. जो ऑर्डर रिलेटेबल होते हैं, एक जैसी जिनमें करेक्टर्स पाए जाते हैं, उन्हें सेम क्लास में रख देते हैं. इसके एग्जांपल हैं ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन. प्राइमेटा जो ऑर्डर है जिसमें मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन आते हैं, उन्हें मैमेलिया क्लास में रखा गया है अलॉन्ग विद कार्निवोरा. कार्निवोरा के साथ प्राइमेटा को मैमेलिया क्लास में रखा गया है. सॉरी, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट फाइलम. क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल. जिन क्लास में एनिमल्स होंगे उन्हें हम बोल देते हैं फाइलम. जो क्लास सिर्फ एनिमल्स से मिलकर बनी है उन्हें फाइलम बोल देते हैं. इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर करेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन. और प्लांट के केस में इन्हें डिवीजन बोला जाता है. ये सब पढ़ लेंगे, इनके एग्जांपल जो दिए हुए हैं. अब पढ़ेंगे हम किंगडम के बारे में. ऑल एनिमल बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया. द किंगडम प्लांटे कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स. ये तो बहुत सिंपल सा है कि सारे एनिमल किंगडम एनिमेलिया में आएंगे, सारे प्लांट्स किंगडम प्लांटाई में आएंगे. ये वाला फिगर 1.1 जो टेबल दी हुई है, ये फ्लो चार्ट कह सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है जो अभी हमने नोट्स में पढ़ा था. हेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. जैसा हमने नोट्स में पढ़ा था, स्पीशीज से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे किंगडम की तरफ तो कॉमन करेक्टर्स डिक्रीज होंगे. लोअर द टैक्सा मोर द करेक्टरिस्टिक दैट द मेम्बर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर. हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट सेम लेवल. वही बात कही जा रही है इसमें. ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में भी पूछ ली जाती है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो ये इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है ज़रूर. सो ये पढ़ेंगे. एक कॉलम में हमें कॉमन नेम दे रखे हैं, फिर बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न. सो पहला दिया हुआ है मैन का यानी ह्यूमंस का. तो बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडेई, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा. द सेकेंड वन इज़ हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका. जीनस इज मस्का, फैमिली इज मस्किडी, ऑर्डर इज डिप्टेरा, क्लास इज इंसेक्टा एंड फाइलम इज आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस, मीन्स जॉइंटेड लेग्स. मैंगो मैंगीफेरा इंडिका इज बायोलॉजिकल नेम. जीनस इज मैंगीफेरा, फैमिली इज एनाकार्डिसी, ऑर्डर इज सेपिनडेल्स, क्लास इज डाइकोटिलिडनी एंड डिवीज़न इज एंजियोस्पर्मी. डाइकोटिलिडनी जिसमें एक कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है और एंजियोस्पर्मी उन प्लांट्स को बोलते हैं
जिनमें बेसिकली अभी हम सिर्फ एक इमेजिनेशन के हिसाब से समझ सकते हैं, जिसमें फ्लावर्स हों। अभी ये आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नाउ वीट, वीट इज़ बायोलॉजिकल नेम इज़ स्ट्राइटिकम एस्टिवम, जीनस इज़ स्ट्राइटिकम, फैमिली इज़ पोसिएई, ऑर्डर इज़ पोएल्स, क्लास इज़ मोनोकॉटिलीडनी एंड डिविज़न इज़ अगेन एंजियोस्पर्मी। मोनोकॉटिलीडन मीन्स वन कॉटिलीडन इज़ प्रेजेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड्स, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ जो होती हैं अलग अलग प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं, हमें उनके बारे में पता चलता है। फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री एंड इन जनरल नोइंग अवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी कर कर हम बहुत चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हों इन डिफरेंट फील्ड सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, बायो रिसोर्सेज एंड डाइवर्सिटी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़। किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बहुत सारी लेबोरेटरी वर्क की ज़रूरत है, फील्ड स्टडी की ज़रूरत है। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इज असेंशियल। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने के लिए, किसी भी प्लांट के बारे में पढ़ने के लिए उसका एक्चुअल स्पेसिमेन होना बहुत ज़रूरी है। एंड इन द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़, दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड असेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। ये बहुत ज़रूरी है स्टडीज़ के लिए और ट्रेनिंग के लिए सिस्टमैटिक्स की। इट इज़ यूजफुल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन। इन सम केसेज द स्पेसिमेन इज़ प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज़। इन स्पेसिमेंस के साथ इन ऑर्गेनिज्म या प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन भी रखी जाती है फ्यूचर स्टडीज़ के लिए। अब पढ़ते हैं हम सम टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। सो द फर्स्ट वन इज़ हर्बेरियम। प्लांट स्पेसिमेंट्स इसमें रखे जाते हैं हर्बेरियम में। कैसे रखे जाते हैं? ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। सुखा के, प्रेस्ड करके और उसके बाद में प्रिजर्वेटिव्स लगाए जाते हैं, एंटी फंगल्स, केमिकल लगाए जाते हैं इनके ऊपर और फिर एक शीट के ऊपर लगा दिया जाता है इन्हें। दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये जो शीट हैं उन्हें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से लगा दिया जाता है। वो सिस्टम क्या है वो भी पढ़ेंगे। सो स्टोर हाउस ऑफ और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़। इन्हें स्टोर हाउस या रिपोजिटरी में रखा जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए, बाद में इनके बारे में पढ़ने के लिए। अब देखेंगे कि रखा कैसे जाता है, इन्हें क्या, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे रखी जाती है स्टोर करके। इन पे एक लेबल लगा हुआ होता है, बेसिकली एक राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ एक स्लिप लगा देते हैं। आई विल शो यू द इमेजेस आफ्टर दिस। कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। तो पहले लिखते हैं कि डेट, किस डेट में इसे कलेक्ट किया गया, किस प्लेस से इसे कलेक्ट किया गया। उसके बाद इंग्लिश नेम लिखते हैं, फिर लोकल नेम लिखते हैं कि उस प्लांट का लोकल नेम क्या है जिस जगह से वो कलेक्ट किया गया है। उसके बाद में बोटैनिकल नेम क्या है, उसका फैमिली क्या है। उसके बाद जिसने कलेक्ट किया है, कलेक्टर्स नेम, उसका नेम आता है। क्विक रेफरल सिस्टम भी बोलते हैं इसे। नाउ नेक्स्ट वन इज़ बोटैनिकल गार्डन्स, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। हर्बेरियम में तो ड्राइड यानी डेड प्लांट्स थे, इसमें लिविंग प्लांट्स को ही रखा जाता है। इसमें आइडेंटिफिकेशन पर्पस होता है उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए। लेबल इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली, उन पे लेबल लगा दिए जाते हैं जिन पर उनका बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम और फैमिली लिखी हुई है, मेंशन हुई होती है। द फेमस बॉटनिकल गार्डन आर एट क्यू, इंग्लैंड। इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया एंड नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये याद करने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ म्यूज़ियम। म्यूज़ियम तो हमने देखे ही होंगे,
रियल लाइफ में नहीं देखे होंगे तो मूवीज़ में तो ज़रूर देखे होंगे, प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन, इसमें भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, प्रिजर्व्ड रहते हैं फॉर स्टडी एंड रिफरेंस। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखा जाता है इन्हें कंटेनर या जार में। प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो भी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेंस, प्लांट और एनिमल्स को इसमें ड्राई करके भी रखा जाता है, उनको जैसे हर्बेरियम में रखते हैं इसी तरीके से एनिमल्स को भी ड्राई करके रखा जाता है उनके ऊपर प्रिजर्वेटिव लगा के। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस, इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं जो इंसेक्ट्स रखे जाते हैं वो उन्हें इंसेक्ट्स बॉक्सेस में रखते हैं आफ्टर कलेक्टिंग। अब लिखा है इसमें कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, ये जो सिक्वेंस है ये भी आ जाता है कई बार, कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग, कलेक्ट किया मारा उन्हें और उसके बाद में इंसेक्ट बॉक्स में पिन कर देते हैं जिससे कि वो मूव ना कर पाएँ, मतलब ड्राइड हो जाते हैं तो वो मूव ना कर पाएँ, डैमेज ना हो। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, जो बड़े बड़े एनिमल होते हैं उन्हें स्टफ्ड किया जाता है और प्रिजर्व्ड किया जाता है। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू, म्यूजियम में स्केलेटन के भी कलेक्शंस होते हैं, जो जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके ज़्यादातर स्केलेटन होते हैं, जैसे डायनासोर्स के स्केलेटन मिलेंगे काफ़ी सारे म्यूजियम में। द नेक्स्ट वन इज जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क वी कैन से जू, बचपन में हम सब गए हुए होते हैं जू में, इसमें वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर, ह्यूमन केयर के अंदर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा जाता है, लेकिन इनका नेचुरल हैबिटेट नहीं होता वो, इसलिए एक्सीटू कंजर्वेशन में आते हैं ये, एक्सीटू यानी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर, और जू में हमें उनके फूड हैबिटेट और बिहेवियर के बारे में पता चलता है कि किस टाइप का उनका बिहेवियर है, क्या खाना खाते हैं वो, ये सब चीज़ें। कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट, कंडीशंस बनाई जाती हैं आर्टिफिशियली उनके नेचुरल हैबिटेट के हिसाब से, लेकिन वो नेचुरल हैबिटेट में नहीं होते। एंड द नेक्स्ट वन इज़ की, की क्या होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से समझ नहीं आता है क्या, प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के बारे में बताती है बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। बेसिकली एक पेयर ऑफ कपलेट होता है, एक पेज पे किसी दो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया होता है बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग करेक्टर, कंट्रास्टिंग करेक्टर उनके लिखे हुए होते हैं पॉइंट्स टू पॉइंट्स एक पेज पे दो ऑर्गेनिज्म के, और ये जो पेयर होता है इसे कपलेट बोलते हैं। दिस रिजल्ट इन द एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, हर स्टेटमेंट जो एक एक पॉइंट होता है, कंट्रास्टिंग पॉइंट होता है दोनों ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो एक पॉइंट को एक लीड बोलते हैं, एनालिटिकल होते हैं नेचर में। इसमें बहुत सारे लास्ट में दिए हुए हैं, इनके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है, जैसे कि फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स भी एक साधन है डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करने के। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया, फ्लोरा में एक्चुअल अकाउंट होता है, मतलब उसी हैबिटेट के प्लांट्स, किसी एक गिवन एरिया के प्लांट्स और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है फ्लोरा के अंदर, only plants, these provide the index of to the plant species found in a particular area, सिर्फ एक particular area के लिए ही information होती है flora में। Manuals are useful in providing information for identification of names of species found in area, manuals में किसी भी एक particular area की species के names के बारे में information दी हुई होती है। Monograph contain information of any one taxon, किस monograph जो होता है उसमें किसी भी एक टैक्सॉन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, ये मोस्ट सूटेबल माने जाते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए मोनोग्राफ्स। और एक समरी में एक पॉइंट दिया हुआ है, टैक्सोनॉमिस्ट ऑल्सो प्रिपेयर एंड डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन थ्रू मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ फॉर फर्दर टैक्सोनॉमिक स्टडीज, टैक्सोनॉमिक कीज आर टूल्स दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक्स। सो इसे पढ़ लेंगे, मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा था इसमें।
So if you like, then like the video, share the video and subscribe please. Have a good day.